राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है गरीबी के अनुपात में प्रादेशिक विषमता। राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का आकलन राज्यानुसार गरीबी के स्तरों के भारित औसत के रूप में किया जाता है। गरीबी के अनुपात का आकलन राज्य विशेष की गरीबी की रेखा द्वारा किया जाता है। उपभोग व्यय के आंकड़ों का संकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा तथ्यात्मक है। व्यय के आधार पर अनुमानित गरीबों के वितरण को भी आकलन के समय ध्यान में रखा जाता है। देश में गरीबी के विस्तार में बहुत अंतर है। सबसे कम जम्मू और कश्मीर में केवल 3.48% है तथा उड़ीसा में सबसे अधिक 47.15% है। यद्यपि गरीबी का अनुपात विगत 3 दशकों में काफी घट गया है, लेकिन गरीबी के पूर्णतया उन्मूलन में काफी समय लगेगा। बिहार और उड़ीसा में 40% से भी अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। अन्य 10 राज्यों में ये 30 और 40 के मध्य है। मध्यवर्ती, उत्तर मध्यवर्ती तथा पूर्वी भारत के सभी राज्य इसी वर्ग में आते हैं। इनमें से प्रमुख राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार तथा झारखंड। इसके विपरीत दक्षिण के राज्यों में गरीबी का अनुपात 20 से 30 के मध्य है। पश्चिमी और उत्तरी राज्यों में गरीबी का अनुपात कम और बहुत कम है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जनसंख्या का अनुपात नगरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, लेकिन राज्य स्तर पर मिला जुला रूप दिखाई पड़ता है। आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों और गरीबी में अंतर 15.58 अंकों का है। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में अधिक है। ये राज्य देश के दक्षिणी, मध्यवर्ती और पश्चिमी भागों में फैले हैं। दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में हरियाणा और दिल्ली तक ये एक अविच्छिन्न पट्टी है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में भी ग्रामीण और नगरीय गरीबी के अनुपात में काफी अंतर है। इसका कारण ये हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत नगरीय क्षेत्रों में गरीबी उपशमन के कार्यक्रम नहीं चलाए गए। ग्रामीण नगरीय प्रवास ने भी इस अंतराल को बढ़ा दिया है। कस्बों और नगरों के आसपास बसी मलिन बस्तियों में रहने वाले अधिकतर लोग गरीबों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में खाद्यान्नों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली नगरीय क्षेत्रों में अधिक बेहतर है।
गरीबी और भूख। दो वक्त भरपेट भोजन पाने वाले लोगों के अनुपात से गरीबी के विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है। सन 1981 में 81% ग्रामीण परिवारों को दोनों वक्त भरपेट भोजन मिलता था। 1993 तक ये प्रतिशत बढ़कर 93% हो गया। दूसरे शब्दों में केवल 7% लोग ऐसे थे जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। इससे पता चलता है कि सुधार अवधि के बाद भूखे लोगों के प्रतिशत में कमी आई है। प्रारंभ में गरीबी की रेखा का निर्धारण मुख्यतः उस आय के आधार पर किया जाता था जिससे भोजन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकती थीं। कभी कभी खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता को गरीबी में परिवर्तन के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता था, क्योंकि अधिक उपलब्धता से भोजन के मूल्यों में उलझन पैदा हो सकती थी। यहाँ पर बताना ठीक रहेगा कि खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में काफी गिरावट आई है। 1971 में ये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 469 ग्राम थी, जो घटकर 2001 में केवल 417 ग्राम रह गई थी। सामान्य तथा आय के पैमाने पर निचले छोर के लोग अच्छी फसल होने तथा कीमतों के कम होने पर बेहतर भोजन कर पाते हैं। कभी कभी खराब फसल के परिणाम स्वरूप कीमतें असाधारण रूप से बढ़ जाती हैं और खाद्यान्नों की उपलब्धता घट जाती है। ऐसे समय में अधिक संख्या में लोगों को भरपेट भोजन जुटाना मुश्किल हो जाता है, अतः ऐसे लोगों को गरीबों में गिना जाता है। इस प्रकार गरीबी घटाने के लिए खाद्यान्नों का सार्वजनिक प्रबंधन महत्वपूर्ण है। मानव गरीबी सूचकांक। यद्यपि लोगों की आय से गरीबी का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इससे गरीबी के विषय में पूरी सच्चाई का पता नहीं चलता। गरीबी का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका मापन अभाव के संदर्भ में होना चाहिए। आय के द्वारा गरीबी का पता नहीं चलता, क्योंकि गरीबी जीवन के अभावों में ही झलकती है। इस प्रकार गरीबी सहनीय जीवन जीने के लिए विकल्पों और अवसरों का विरोध है। यही मानवीय गरीबी की संकल्पना है। इसका तात्पर्य है कि मानव विकास के लिए आवश्यक अवसरों और विकल्पों का निषेध हो जाता है, जिसके कारण वे दीर्घ, स्वस्थ और सृजनात्मक जीवन नहीं जी पाते। उन्हें एक अच्छा जीवन स्तर, मान मर्यादा, स्वतंत्रता, स्वाभिमान और दूसरों से आदर नहीं मिल पाता। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में मानव गरीबी सूचकांक प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि मानव गरीबी इतनी अधिक व्यापक है कि उसे मानव गरीबी सूचकांक समेत किसी भी मापक के द्वारा उसका आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव जीवन में अभाव के तीन पक्षों की ओर ध्यान दिया है। जीवन के ये पक्ष हैं दीर्घ जीविता, ज्ञान या शिक्षा और एक
अच्छा जीवन स्तर। इन्हीं के आधार पर मानव गरीबी सूचकांक बनाया गया है। इन पक्षों का प्रदर्शन इस प्रकार होता है। 1. 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले मरने की संभावना वाले लोगों का प्रतिशत। 2. निरक्षर प्रौढ़ों का प्रतिशत। और 3. तीन चरों का औसत। पहला, सुरक्षित पेय जल सुविधा से वंचित लोगों का प्रतिशत। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित लोगों का प्रतिशत। और तीसरा, 5 वर्ष से कम आयु के सामान्य और अत्यधिक कम भार वाले बच्चों का प्रतिशत। मानव एक जैव सत्ता है जो स्वस्थ परिवेश में ही जीवित रह सकता है। केवल भूमि, जल, वायु, ऊर्जा और स्थान ही प्राकृतिक अवस्था में है। इन तीन चरों का सामान्य औसत निकाल कर ही मानव गरीबी सूचकांक बनाया जाता है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया गया मानव गरीबी सूचकांक काफी ऊंचा अर्थात दुनिया के 36.7% लोग गरीब हैं। मानव गरीबी का मुख्य संकेतक अल्पावधि जीवन है। 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले मर जाना गंभीर अभाव का सूचक है। भारत में लगभग 20% लोगों की इस आयु सीमा से पहले ही मर जाने की आशंका रहती है। औद्योगिक रूप से विकसित देशों की तुलना में ये अनुपात 4 गुना है। इस प्रकार प्रौढ़ साक्षरता दर भी बहुत ऊंची अर्थात 1994 में 48.8% तथा सन 2001 में 34.6% थी। सामाजिक सुविधाओं का भी अत्यधिक अभाव है। इस प्रकार भारत में मानव गरीबी उपशमन के लिए भी बहुत कुछ करना शेष है। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। गरीबी के अनुपात में प्रादेशिक विषमता। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचक थे अमिताभ वर्मा। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एसके शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।